कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है। और ये अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे, तो आज हालात वही हैं। गवर्नर, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूं। एक केरला के मुख्यमंत्री अभी जंतर मंत्र पर आके गए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने गवर्नर से तंग है, उनका गवर्नर भाषण ही नहीं पढ़ता उनका लिखा हुआ, विधानसभा में जो पढ़ना होता है बजट सेशन में। ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब को जब भी कोई काम करते हैं एलजी टांग अड़ाता बीच में, सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार चलानी पड़ रही है। हम भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। आरडीएफ का पैसा 5500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का पंजाब का रुका हुआ है, नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रुका हुआ है, 8000 करोड़ से ज्यादा पंजाब का पैसा रोक रखा है। हम कोई भीख थोड़ी मांगते हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा है, पंजाब के लोगों का हिस्सा है, वो योगदान है। फिर गवर्नर्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मुझे जाना पड़ा गवर्नर के खिलाफ कि जी बजट सेशन नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में स्टालिन जी सुप्रीम कोर्ट में, केरला के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल जी हर बात पे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के बेंच ने कहा सर्विसेज जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के पास, सरकार के पास रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 5-0 का फैसला नहीं माना, उसी दिन ऑर्डिनेंस जारी करके कहते नहीं अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे हम। क्या अस्पताल बनाने वाला, आज दिल्ली में अस्पताल बनाने वाला जिसने पूरे देश में हेल्थ क्रांति लेके आई, पैरासीटामोल की छोटे सी टैबलेट से लेके 40-50 लाख जो टेस्ट है फ्री हैं, आप लोग भी जाते होंगे, आपके रिश्तेदार, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो, अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सत्येंद्र जैन, दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट एमबीबीएस आईआईटी में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है कहां है। टीवी पत्रकार कोई अगर ऐसी रिपोर्टिंग कर दे पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं, कोई यूट्यूबर के बारे में कोई यूट्यूब वाला कोई बोल दे कुछ, उसके लिए कानून लेके आए, ये आपका कंटेंट जो है ये भड़काऊ है, हेट स्पीच माना जाएगा इसको। सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में? सबसे ज्यादा हेट स्पीच बीजेपी वाले देते हैं, गोली मारो, ये आतंकवादी हैं, इनको वोट दोगे तो आपके घरों में आएंगे, मतलब ये हेट स्पीच तो ये है ना। हम तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। मैं पंजाब का 2 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, 2 साल में 43,000 सरकारी नौकरी देके आपके सामने खड़ा हूं, 2 साल में हमने 829 आम आदमी क्लिनिक बना दिए, 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे आके दवाई लेके ठीक होके चले गए। क्या ये काम नहीं करने चाहिए हमें? वो आम आदमी क्लिनिक को बंद कराने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक रखा है, ये ना बनाओ जी। फिर 26 जनवरी की परेड में पंजाब की झांकी नहीं हुई, क्यों जी? आजादी में 80% योगदान था हमारे बुजुर्गों का, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी, और 15 अगस्त और 26 जनवरी
आप पंजाब के बिना मना लोगे? कैसे मना लोगे? हाउ डेयर यू आर? किसने, वो खोते कौन है शहीद भगत सिंह की झांकी को, जिसमें शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराबा, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, जलियांवाले बाग का कांड, जिसमें वो थे झांकी में, उनको रिजेक्ट करने वाले ये कौन होते हैं? ये भगत सिंह से बड़े हो गए, जिन्होंने देश लेके दिया, अब उन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं? मुझे तो ये शक है, अगर इनका बस चले तो ये राष्ट्रीय गीत जनगण मन से पंजाब का नाम निकाल देंगे, अगर इनका बस चले तो। इतनी नफरत करते हैं ये पंजाब को, और पंजाब वो है जो पूरे देश का पेट भी पालता है। 532 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, हमारे बेटे आज कारगिल से लेके पंजाब के लड़के खड़े हैं सीना तान के, कोई भी दुश्मन की तरफ से कोई गोली आती है, सबसे पहले पंजाबियों का सीना है। तो ये इतना हमें नफरत करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? हम कहते रहे कि ये गिरफ्तार करेंगे, बहाना ढूंढ रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए टाइमिंग क्या है, ये क्या चाहते हैं? विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए, ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं। 3 दिन पहले रशिया में क्या हुआ? 88% वोट पुतिन, 2030 तक, आगे 40 तक भी जाएगा। और जो 12% है वो खराब होगी वोट है, उनके खिलाफ नहीं वोट डाल सकता कोई। तो ये भी तो पुतिन के रास्ते पर ही चल रहे हैं फिर, ये डिक्टेटरशिप है। आप रात को 8 बजे आ जाओ घर, 9 बजे तक सर्च करते रहो, उसके बाद ले जाओ, फिर देखते हैं बाद में, रिमांड मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे एक देशभक्त बंदा है वो, अगर पैसे कमाने होते, आईआरएस ऑफिसर है अरविंद केजरीवाल, कमिश्नर इनकम टैक्स का, उनकी पत्नी भी आईआरएस कमिश्नर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, पैसे कमाने होते तो अपनी अच्छी भली नौकरी क्यों छोड़ते? तो इनको यही लगता रहता है कि हमारी तरह सारे ही, देखो साधु को सभी लोग साधु लगते हैं, चोर को सब चोर लगते हैं। इनके इलेक्ट्रिक बॉन्ड का क्या हुआ? 8,000 करोड़ के आसपास जब इलेक्ट्रिक बॉन्ड निकले हैं, कहते वो तो चंदा है। अच्छा अगर कोई अच्छे काम करे, कहते नहीं तेरा धंधा है। अभी मैं परिवार से मिलके आया हूं, बेटा और बेटी हैं, आगे के एग्जाम देने हैं उन्होंने, किसे मिलने जाना है, कोई किताबें सिलेबस की, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे। रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, ये पुलिस से परमिशन लेनी पड़ रही है कि सर प्लीज इनको भेज दो अंदर। नहीं जी, 2 बंदों को ही भेजेंगे, ये 4 हैं, हद है। बच्चों का क्या कसूर है जी? उनकी पत्नी का क्या कसूर है जी? तो ये सब कोई इनका किसी, मुझे ये बता दीजिए किसकी मानते हैं ये? सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं? नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन की मानते हैं? नहीं मानते। सीबीआई की मानते हैं? नहीं मानते। नीति आयोग की मानते हैं? नहीं मानते। ये तो कमाल है, मतलब मैं हर जगह मैं। सो ये बहुत ही निंदनीय है। आम आदमी पार्टी अब छोटी पार्टी नहीं है, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 10 साल में 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, 10 हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, 1 हमारा लोकसभा का मेंबर है, 5 MLA हमारे गुजरात में हैं, 2 MLA हमारे गोवा में हैं, मध्य प्रदेश में सिंगरौली में हमारी मेयर है, और चंडीगढ़ का मेयर हमारा है। और वो तो पता होगा ना चंडीगढ़ का मेयर कैसे बना फिर, वो तो पता ही होगा ना, ये डेमोक्रेसी है फिर। कैसे गिन रहा था वो? 36 वोट गिनने थे, 36 वोट, कैमरे लगे हुए थे, कैसे गिन रहा था? ऐसे वोट देख के। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो जस्टिस साहब ने कहा कि दिखाइए कहां है वोट, ये वो 8 के 8 वोट उन्होंने वैलिड करार दिए। और पहली बार हुआ है जुडिशियल हिस्ट्री में कि कोई मेयर का नाम सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया कि ये मेयर होगा। तो अगर 36 वोट में से 8 वोट खराब कर दिए, मतलब ऑलमोस्ट 25%। मुझे इस बात का कोई हैरानी या खुशी नहीं है कि हमारा मेयर बन गया, मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि 36 वोट में से 8 खराब कर दिए। अभी
चार जून को 92 करोड़ वोट गिने जाएंगे, उनमें क्या करेंगे? ये वोट कहीं डलता है, जाता कहीं और है, जीतता कोई और है। ये इन्होंने इलेक्शन को ऐसे समझ रखा है जैसे बस अब हमारा ही काम है। हम कहते रहे, पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर ये आ गए ये संविधान बदल देंगे, और बाबा साहब का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाना है। अभी जो देश में चल रहा है पूरी दुनिया देख रही है उसको, सबको पता है, लेकिन ऐसे किसी पड़ोसी या किसी विदेशी राष्ट्रपति से कहलवा लेना कि यू आर द मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, और अभी किसानों की समस्या थी, हरियाणा के बॉर्डर पे रोक लिया, पत्रकारों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी, वो कहते हैं दिल्ली क्यों आते हैं किसान, मैंने कहा जी मोदी जी दिल्ली क्यों आए फिर अहमदाबाद छोड़ के, कहते जीत के आए हैं, मैंने कहा जहां जीत के आएंगे वो देश का राज करने के लिए तो वहीं पे आएगा सारा देश, उनको दिल्ली क्यों नहीं आने देते, मैं लाहौर भेजू उनको, लाहौर से ज्यादा तारे लगा दी थी, लाहौर वाले बॉर्डर पे पाकिस्तान ने तार नहीं लगाई हुई, हमारे वालों ने लगाई हुई है, उनको क्या जरूरत है, कहते अपनी अपनी तरफ लगा लो। तो ये किसानों की समस्या तो हल नहीं करते, टीवी पे ऐड आती है पापा यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा दिया मोदी जी ने, अच्छा आप उनके युद्ध रुकवा सकते हो, अपने किसानों से बात नहीं कर सकते 200 किलोमीटर, कमाल है, हद है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। मैं आपके जरिए, आपके टीवी कैमरे के जरिए करोड़ों लोगों को ये कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी जो है वो चट्टान की तरह अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है। हम चट्टान की तरह उनके साथ, मैं भी अपना काम छोड़ के आया उनके लिए, उन्होंने जब दिया न्योता पूरे देश को कि अच्छी राजनीति करने के लिए मुझे अच्छे बंदे चाहिए, तो मेरे जैसे लोग, अगर मैं आर्टिस्ट था, फेमस आर्टिस्ट था, मुझे क्या जरूरत थी, मुझे भी बीच बीच में गालियां देते रहते हैं बीजेपी वाले, गालियां देते रहे कांग्रेस, मतलब असल में क्या है, इनको दुख इस बात का है कि आम घरों से बेटे बेटियां जीत कर हमारी कुर्सियों पर क्यों बैठ गए, ये पंगा है। साहब आप कह रहे हैं कि सीएम के घर पार्टी और सरकार का दिल्ली में क्या होगा, मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, पार्टी का चीफ बदले जाएंगे या वही रहेंगे? नहीं 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 नहीं, संकट है, नहीं नहीं, पार्टी के ऊपर बड़ा संकट है, और कोई संकट नहीं है पार्टी, देखो हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें, सो पार्टी कुछ नहीं हुआ, पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी। मैं आपको कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है, इतने 10 सालों में देश में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, उनको कहां गिरफ्तार करोगे, कौन आगे बढ़ाएगा भाई, हम लोग सारे बढ़ाएंगे हम मिलके। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, यूनिट अलग हो जाएगा, दिल्ली में सरकार गिर जाएगी, इस तरह के स्पेकुलेशंस को देखो भाई साहब, जब इनको सोच रहे, इन्होंने दिन रात यही है किसकी सरकार गिरानी है, किसकी तोड़नी है, किसके एमएलए खरीदने हैं, अभी तक यही तो करते आए हैं, जहां पे जीतते नहीं वहां खरीद लेते हैं, जहां पे इलेक्शन से नहीं जीते वहां बाई इलेक्शन से जीत जाते हैं, 30 बंदों से इस्तीफा ले लो, फिर बाई इलेक्शन करवा लो, हाउस की संख्या कम करके सुबह 4 बजे गवर्नर को जगा लो कि ओथ करवा, एक बार ओथ करवा। ये तो ट्रंप ने मेरे ख्याल में सलाह नहीं पहले मांगी होगी, वरना ट्रंप को भी पिछली बार ये ओथ दिलवा लेते कि एक बार तू ओथ ले, बाकी बाद में अमित शाह जी को भेज देंगे वहां ठीक कर लेंगे।